सावित्री, मादलिन के लिए नींबू की चाय बना देना। सावित्री, मादलिन के लिए पानी तो गर्म कर दो। सावित्री, मादलिन नहा रही है, फटाफट झाड़ू पोछा कर लो। सावित्री, मादलिन ट्यूशन से उठ रही है, चाय पिएगी। मादलिन कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाएंगी, लंच थोड़ा पहले करेगी मादलिन। रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। गुड नाइट को संस्कृत में कहेंगे शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जरा बिस्तर बिस्तर देख लेना, चादर गंदी हो गई हो तो बदल देना। कैसी है तुम्हारी पेइंग गेस्ट? अपना अंगिया जांगिया खुद ही धोती है कि तुम धोती हो? भाग ऐसे भोजरी की। अरा दैया, देखो नखरा। अंग्रेजन को घर में घुसने नहीं दूंगी। अबे धर्मनाथ, कहाँ है बे? गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे, हे पांडे, निकल बाहर कोठरी से। जटा कवि कलश चल प्रवाह पावित स्थले। दुर्मति, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार है, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गुमुद बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिप्पा टिप्पी में बंद करने की? दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी क्षण छत पर, खुले आकाश में जहाँ धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और नक्षत्र हैं। उठ और ले चल इसी क्षण। बाबा, हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारी, लोग क्या कहेंगे? तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? बाबा, डर इसलिए लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है। तूने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब पढ़ा, पर मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने प्राणियों की सृष्टि की है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, मुसलमानों की नहीं, ये तूने बनाए हैं। जा समझा मोहल्ले को, अब उठ ले चल चल। पाणे जी, अरे पाणे जी, का हो रहा है महाराज? ईट, बालू, सीमेंट, ये सब का है? क्या बताएं उपाध्याय जी, कल रात शिवजी हमारे सपने में आए, गुस्से में थे, कह रहे थे यहां कोठरी में हमारा दम घुटता है, हमें छत पर खुले आकाश में ले चलो, जहां खुली हवा है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है। अरे तो चमत्कार हो गया पांडे जी, शिवजी हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनुष्यों के रहने की चिंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे ना। अब शिवजी ने आपको आदेश दे दिया, चलिए हो गया फैसला। अरे तिवारी, शुक्ल, चतुर्वेदी, अबे तूबे, चौबे, सबके सब, अरे चमत्कार हुआ है, चमत्कार। हर हर महादेव पांडे जी। पांडे जी, गजब हो गया, महीनों से हमें शिव जी कह रहे हैं कि चौबे हमें किसी पेड़ के नीचे बिठाओ, यहाँ बहुत बू आती है, पर हम मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब प्रायश्चित के लिए आज ही हम अखंड हरि कीर्तन रख रहे हैं, जरूर आइएगा। आश्चर्य पांडे जी, आश्चर्य। दो दिन पहले ही शिव जी हमें सपने में कह रहे थे कि अबे तिवारी, हमें घाट पर कहीं गंगा के नजदीक बिठाओ, पर हम सपने पर कैसे यकीन करते, पर अब हम क्या कहें? इसीलिए कल ही हम रामचरितमानस का अखंड पाठ रखेंगे और शिव जी को उठाएंगे। प्रसाद लेने जरूर आइएगा। जय राम जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबह तक पूरा 80 सपना देख चुका होगा। जाइए, रोकिए उन्हें,
वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे। सावित्री, पंडित जी शिवलिंग हटाते वक्त टूट गया है। पाणे जी, भैया चलो हटो ना। अरे पाणे जी, आपने पंचांग देखा क्या? कल सौभाग्य योग है, हम तो सोच रहे हैं कल ही गाजे बाजे के साथ शिवजी को चौराहे पर बैठा देंगे। आपने कौन सा मुहूर्त निकाला है? बात क्या है, हमारे शिवजी हटाते वक्त टूट गए। ए भाई, क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ जाके अपना काम करो ना। हाँ, अरे पाणे जी, आप दुखी हो रहे हैं? खुशियां मनाइए, खुशियां। शिवजी कृपा कर रहे हैं आप पर, वे स्वयं आपके घर से जा रहे हैं। आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तैयारी करिए और मित्रों को बुलाइए, फिर भंडारा करिए, उत्सव मनाइए और चढ़ाइए फिर एक कोठरी ऊपर बना करके राय पर। उपाध्याय जी, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे, जाइए आप यहां से। चलिए, धर्म संसद बैठी है, सभी को बुलाया है। हर 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 हर। भाई तिवारी, तिवारी क्या बात है उपाध्याय? अरे जल्दी चलो, वहां धर्म संसद बैठ रही है। जो धर्मनाथ पड़वा पलट गया ना, तो मौका गया हाथ से, समझो कि नहीं? चलो। धर्म का इतना अपमान, हम 80 की ईंट से ईंट बजा देंगे पर एक भी मूर्ति खिसकने नहीं देंगे। हम कैसे मान लें शिवजी सपने में आए? अरे ये क्या बात हुई, शिवजी सपने में क्यों नहीं आ सकते? क्या सबूत है आपके पास कि शिवजी ने सपने में आदेश दिया? अरे अब सपने का सर्टिफिकेट कोई कहां से लाए? ये तो वही बात हुई कि रामलला के जन्म का सर्टिफिकेट लाओ। क्यों तिवारी, 80 को अयोध्या बनाना चाहते आप लोग? और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग, क्या था काशी महाशमशान। अरे आप लोग पाणे जी को भी कुछ बोलने देंगे कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? बचपन से हमने यही सुना है कि वह कनकन में बसा है। अब उसके कनकन में बसने का सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं? बताइए, वो हवा में है, आग में है, पानी में है? अब आग में पानी में होने का सर्टिफिकेट कहां से लाएं भाई? हैं, बातें ना बनाइए पांडे जी, और सीधी तरह जवाब दीजिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई शिवजी को उठाने की? ए, खबरदार, अगर किसी ने पाणे जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। हाँ, अरे हर दिन घाट पर रोज सुबह सैकड़ों लोग महादेव की मूर्ति बनाते हैं, गंगा की माटी से पार्थिव महादेव, उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उसको गंगा जी में बहा देते हैं। उनसे किसी ने आज तक सर्टिफिकेट मांगा है क्या? हाँ? अरे ये हमरे और शिव जी के बीच की बात है, आप लोग कहां से बीच में आ गए? सपना हम देखे हैं, आप लोग तो नहीं देखे ना? काशी का कंकर कंकर शिव शंकर, काशी महादेव को छोड़कर कुछ है क्या? अब इसका प्रमाण पत्र कहां से लाएं? सर्व खलदम ब्रह्म, अरे पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो शिव ही तो है, अब कौन भोजड़ेगा उसका प्रमाण पत्र लेके आएगा? हर हर।